को मेरा क्रांतिकारी साहब मिला सलाम साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में बताने के लिए आया हूं रवि किशन, जो कि रवि किशन जी इस टाइम सुपरस्टार हैं और सांसद भी हैं, और सुपरस्टार होने के बाद उन्होंने क्या कहा है आप सबसे पहले वीडियो में देख लीजिए कि इन्होंने क्या कहा। बाकी लोग बाद में आ गए, हम दो तीन बंदे गए इसमें पहले से का पसीना ऐसा महक रहा है ना। अरे अब क्या बताएं रवि भैया, कन्हैया भैया खातिर दिन रात दौड़े जा रहे हैं। अरे तो हम ही के सुन लो पूरा सुनवाई, बंद कर रहे वीडियो, बस बंद कर। साथियों, आप वीडियो को देख रही है, आप वीडियो में ये कह रहे हैं कि उन लोग का, गरीबों का जो पसीना है किस हिसाब से महक रहा था, ये रवि किशन जी की भाषा है। तो रवि किशन जी, मैं आपको अपनी भाषा में समझाना चाहता हूँ, ठीक है? आप सांसद हैं या आप भाजपा के नेता हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने गरीबों की बात किया है तो इसमें गरीबों का मतलब, साथियों, इसमें जात और भेद वाली बात नहीं आई है। यहाँ बात आई है उन भारत के उन मजदूरों की, अगर मजदूर नहीं होते तो शायद हमारे देश में जितने भी फैक्ट्री से लेके नेता से लेके हर कोई आज एसी के गाड़ी में नहीं घूमता, अगर मजदूर नहीं होते तो। साथियों, कोई भी मजदूरी करेगा तो उसको पसीना आएगा, हर किसी को पसीना आता है, ठीक है? लेकिन जो रवि किशन कह रहे हैं कि उनके पसीना किस हिसाब से महक रहा था, तो रवि किशन जी पहले हमारी बात सुनिए। आज उसी गरीब की देन है ना कि आज आप स्टार बने हो, और उसी गरीब की आज देन है कि आज आप पार्लियामेंट में पहुंचे हो, सांसद बने हो, ठीक है? अगर गरीब लोग आपका सपोर्ट नहीं किए होते तो अमीरों की बदौलत आप जीत जाते, कभी जीवन में नहीं जीतते, ठीक है? और अमीरों की बदौलत आपके अनुभव स्टार बने थे, एक एक गरीब आदमी हर कोई आपका दीवाना था, और हर कोई जाकर आपकी फिल्म को देखा, आपके गाने को सुना, ठीक है? तब जाकर आप एक गरीब से लेके अमीर से लेके हर किसी की बदौलत आप जाकर स्टार बने, ठीक है? फिर उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि गरीबों के पसीनों से मुझे महक आती है। वाह, ये है नेता और ये है स्टार। ये फिल्मों में दिखाते हैं कि गरीबों के किस तरीके से सेवा किया जाता है और किस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता है, ये चीज दिखाते हैं, और आज ये इनको गरीबों के पसीनों से इनको महक आ रही है। रवि किशन जी, लंबी चौड़ी बातें करने वाले, मंच पे भाषण देने वाले, ये कहने वाले, वो कहने वाले, और आज ये कह रहे हैं कि गरीबों के पसीनों से इनको बदबू आती है। लालच है साथियों ऐसे नेताओं पे और ऐसे स्टारों पे जो जिस जनता की बदौलत बनकर आज उसी जनता को कह रहे हैं कि उनके पसीने से बदबू आती है। गरीब अगर नहीं होते ना तो भूखा मर जाते रवि किशन जी, और अगर वही मजदूर नहीं रहते ना तो उन्हीं की तरह आप भी आज कहीं मजदूरी करते हुए नजर आते। आज आप सांसद और स्टार नहीं बने होते अगर गरीब लोग आपका प्यार दुलार आशीर्वाद नहीं दिए होते और आपकी फिल्म को नहीं दिए देखे होते और वोट नहीं दिए होते आपको, तो आज आप गोरखपुर से सांसद नहीं रहते, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों कि रवि किशन जी कह रहे हैं कि उन लोगों के, गरीबों के पसीने से मुझे महक आ रही थी, महक मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सोचिए, जो इंसान दर दर की ठोकर खाकर वोट मांगता था गरीबों से, और आज वो इंसान जब सांसद बन गया, एसी की गाड़ी से चलने लगा, तो आज वो कह रहा है कि पसीनों से बदबू आ रही है। ये भाजपा के नेता हैं, ये स्टार बनते हैं अपने आप को, ये स्टार बन जाते हैं, फिल्म बनाते हैं कि गरीबों को इस तरीके से मदद करना चाहिए, और हकीकत में ये फिल्म अपनी क्या दिखा रहे हैं ये देख लीजिए आप। ये स्टार है, ऐसे स्टारों पे साथियों मुझे लालच आती है, और ये कहते हुए कि ये सांसद है, मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को सांसद और ऐसे लोगों को नेता, इसलिए नहीं मानता नेता जिन लोग, जो लोगों को गरीबों के पसीने से बदबू आती है, वो लोग आज वो कह रहे हैं कि गरीबों के पसीने से मुझे महक आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, इस तरीके से कह रहे हैं। रवि किशन जी, आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, पहले दिमाग में अपने जा, अगर आपके दिमाग अगर साफ नहीं होगा ना तो एरियल सर्फ लेकर ना उसको आप साफ कर लीजिए, क्या बोलते हो क्या नहीं हो। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, आप देख लो मैं, मुझे कितना पसीना हो रहा है, ठीक है? गर्मी का महीना है तो सोचिए साथियों, जो इंसान 12-12 घंटे जाके धूप में काम करेगा उसके पसीने से बदबू नहीं आएगी? मैं देखिए, मैं वीडियो ज्यादा नहीं, 5 मिनट हुआ होगा मुझे वीडियो बनाते हुए, मुझे इतना तेज पसीना आ गया। तो सोचिए, जो मजदूर बेचारा जो जाकर इतनी तेज धूप होती है
और उस धूप में जाकर वो फाड़वा चलाएगा, मिट्टी ढोएगा, गिट्टी ढोएगा, जो भी ईंटे ढोएगा, तो क्या उसके पसीने से बदबू नहीं आएगी? अगर हिम्मत है ना रवि किशन जी, तो आकर कभी आप, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी आकर ना 24 घंटे 12 घंटे ना कहीं आकर ईंटा फेंकना और अपने पसीनों को एक बार सूंघना, तब पता चलेगा आपको कि पसीने से बदबू आती है कि नहीं आती है। आपको क्या पता होगा कि दो वक्त की रोटियां कहां से आती है गरीबों के घर पे। और आज जिस गरीब ने और जिन लोगों ने आपको स्टार बनाया, आज उन लोगों को आज आप इंसल्ट कर रहे हैं कि उनके पसीने से बदबू आ रही है। तो साथियों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इसमें जात और भेद की बात नहीं आई है, ये बात है इस देश के मजदूरों की। आप साथियों कोई भी हुआ होगा, हर किसी के पसीने से बदबू आती है, ये मैं खुला कह रहा हूँ। तो सभी साथियों से ये मैं कहना चाहूंगा कि ये रवि किशन है और ये गोरखपुर से सांसद है और ये बीजेपी के नेता हैं और ये भोजपुरी के स्टार भी हैं। ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूले। जय भीम।